हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें तीनों टॉर्क को हम क्लियर करेंगे, डिफ्लेक्शन टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को एक एक पार्ट्स को हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स किस तरीके से कार्य करता है और इसको कहाँ पर हमको यूज करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये, देखिए ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला भाग, ये इसका स्केल है, इसको पैमाना या स्केल बोलते हैं। और ये पॉइंटर है, इसको पॉइंटर बोलेंगे। ये अंदर जो स्प्रिंग्स दिख रहा है, एक मिनट, जो आपको स्प्रिंग्स का दिख रहा है अंदर, ये स्प्रिंग है, इसको ज्वेल्ड बियरिंग, इसको हेयर पिन स्प्रिंग्स बोलते हैं। और ये हेयर पिन स्प्रिंग्स फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, जिस पर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं रहता है। बेसिकली ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है और मूविंग कॉयल डीसी के लिए यूज होता है, मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों के लिए यूज होता है। अभी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मूविंग कॉयल है या मूविंग आयरन है। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल है मूविंग आयरन का, ठीक है। अगर ये एक इस तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट की तरह बना होता तो ये मूविंग कॉइल होता, ठीक है। तो ये सिंबल मूविंग आयरन का रहता है। दूसरा पहचानने का तरीका है, जो स्केल रहता है इसका स्केल देखिए नॉन लीनियर होगा, यानी कि यहाँ पर से जब नॉन लीनियर मतलब है कि इसका जो बीच का गैप है वो इक्वल नहीं रहेगा। और जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें स्केल के बीच में गैप यूनिफॉर्म रहता है। देखिए 0 से 2 के बीच, अगर यहाँ पर 0 से बीच में 1 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसने 0 से 2 के बीच और 2 से 3 के बीच, मतलब इसमें 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है और यहाँ से 0 से 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन गैप अनइक्वल है, ठीक है। जो मूविंग कॉइल्स इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उस पर ये गैप इक्वल रहेगा, लेकिन मूविंग आयरन में इसका स्केल नॉन लीनियर होता है और उनके बीच में गैप इक्वल नहीं रहता है। ये स्पिंडल है, ठीक है, इस वाले भाग को स्पिंडल बोला जाता है और ये वाला भाग पॉइंटर है, जो मापी गई राशि को स्केल के ऊपर दर्शाता है, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं, ये वाला स्विच जो आप ऊपर से स्क्रू की सहायता से घुमा करके जीरो एडजस्टमेंट बोलते हैं उस स्विच को, इसका पॉइंटर को इसका प्रयोग है कि इससे घुमा करके इसको हमको जीरो पर एडजस्ट करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ये वर्क कैसे करता है। इसका प्रयोग एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए किया जाता है। यहाँ पे 2 टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल देखिए, ये टर्मिनल है और एक टर्मिनल ये है, ये 2 वायर हैं, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये कॉइल है। इस कॉइल को इन दोनों वायरों पर लगा करके इस तरीके से बाहर से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एम्पियर मीटर है ये, एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाएगा। ये 2 टर्मिनल हैं बाहर इसके, इधर से इन टर्मिनलों पर वायर कनेक्ट की जाती है, ठीक है। फिर इसमें मैग्नेट बनता है। ये मूविंग आयरन 2 टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में जब इस यहाँ पर आप इसको सीरीज में लगाएंगे तो आगे इसका लोड लगा होगा, लोड लगने की वजह से इस वायर में सप्लाई जाएगी, ठीक है। इस वायर में सप्लाई जाने से यहाँ पर मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट बनने से ये इस यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये इसके सेंटर पर रहता है, ठीक है। ये वाला भाग इसके सेंटर पर रहेगा और ये इस तरीके से वर्क करता है। जब इसमें मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट बनने के बाद यहाँ पर सेंटर में ये चीज़ रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वेट लगा है, जो इस स्प्रिंग का को के वजन को बैलेंस करता है, इसको वेट बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया हुआ है। देखिए मैं आपको फर्स्ट में बताया था, जो स्प्रिंग टॉर्क है वो इस ज्वेल्ड बियरिंग वाली स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पर जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट दोनों सप्लाई के लिए यूज किया जाता है और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक फोर्स रहता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है,
ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर आपने सप्लाई दी दोनों पर, और इसमें मैग्नेट बना और मैग्नेटिक एक फोर्स जनरेट होगा जो इस स्पिंडल को घुमा रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें से इधर से करंट जो इन कर रही है, जो इधर से करंट प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, उसके समानुपाती होता है। तो इसमें आप बोल सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें देखिए, जब यहाँ पर करंट फॉलो होगी, यहाँ से जब करंट इसमें नीचे धारा प्रवाहित होगी, तभी इसमें मैग्नेट बनेगा और तभी ये काम करेगा। तो मूविंग आयरन यंत्र, मापक यंत्र एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो इसमें केवल तभी चुंबक बनेगा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अगर इसमें यहाँ से करंट प्रवाहित नहीं हो रही है, आपने ये कनेक्ट नहीं किया, तो इसमें कोई भी मैग्नेट नहीं बनेगा। मूविंग कॉयल में परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है, और इसमें मैक्सिमम टाइम जो डैम्पिंग टॉर्क है, डैम्पिंग के लिए एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप्स। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए थोड़ा सा किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जब सप्लाई देंगे इधर पे, ठीक है, इधर पे सप्लाई देने पर इसमें मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट बनने से वो डिस्क पैमाने की ओर घूमेगी, ठीक है। और इस ये अपने केंद्र से दूसरे पर स्पिंडल से जुड़ी रहती है यहाँ पर अंदर के साइड पर, और जो भी आप यहाँ पर करंट मेजर कर रहे हैं, जितना करंट यहाँ पर है, वो पॉइंटर की सहायता से ये स्केल पर दिखाएगा, ठीक है। और इसका जो सबसे मेन बेनिफिट्स है, ये एसी डीसी दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा इनका मूल्य कम होता है, मतलब इनकी जो इनका रेट है वो मूविंग कॉइल की अपेक्षा कम रहता है, और मूविंग यंत्र की संरचना मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। दूसरा पॉइंट इसका मेन ये है। अब हम देखेंगे टॉर्क के बारे में। सबसे पहले आता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है। इसमें एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा, बाकी डीपली आपको बुक से या नेक्स्ट क्लास में अगर आप ये वीडियो में कमेंट करेंगे। देखिए आप लोग मतलब वॉच बहुत लोग कर रहे हैं, 10K व्यूज आ रहा है, बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही इतना सब्सक्राइब है, ओनली 10% लोगों ने ही चैनल सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली सीखने को मिल रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करिएगा। देखते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। फर्स्ट टॉर्क है डिफ्लेक्शन टॉर्क, जो इस पॉइंटर को इस पैमाने पर चलाने का कार्य करता है, इसको बोलेंगे हम डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है। तो अगर इसमें सिर्फ डिफ्लेक्शन टॉर्क को और कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क नहीं है, तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस स्केल पर चलेगा इधर तक और फिर वापस नहीं आएगा। वापस लाने के लिए हमको कंट्रोलिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप जो राशि यहाँ पर माप रहे हैं, जो क्वांटिटी माप रहे हैं, जैसे आपने 5 एम्पियर मापा है यहाँ पे, तो 5 एम्पियर मेजर करने पर इसको 5 एम्पियर तक ले जाना और वापस लाने के लिए हमको ले जाने के लिए डिफ्लेक्शन टॉर्क, वापस लाने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। फिर आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का मतलब है, अगर ये सुई आपकी यहाँ से 5 पर गई है, ठीक है, ये 5 पर है, और इसको 5 पर जाने के बाद जब यहाँ पर सप्लाई देंगे आप, तो सप्लाई देने पर क्या होता है, ये सुई थोड़ा सा इधर से इस तरीके से इसमें डैम्पिंग करती है, इस तरीके से हिल यहाँ पर वाइब्रेट करती है। तो इसको एक जगह पर कांस्टेंट करने के लिए ही डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग किया जाता है, और जो मेनली डैम्पिंग है इसमें एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया गया है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको तीनों टॉर्क समझ में आए होंगे, फिर से एक बार से सुन लीजिए। फर्स्ट टॉर्क होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, दूसरा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क का प्रयोग इस पैमाने पर इस संकेतक को चलाने के लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग सूचक को वापस जीरो पर लाने के लिए और जितना राशि आप माप रहे हैं उस पर ही रोकने तक के लिए किया जाता है, और डैम्पिंग टॉर्क है जो राशि आप माप रहे हैं उसके ऊपर जो पॉइंटर वाइब्रेट हो रहा है उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे आपने 5 एम्पियर की करंट मापी, तो 5 एम्पियर पर ही इस पॉइंटर को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग किया जाएगा। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये मैं आपको बता दिया था शुरू में, एक बार और देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये स्प्रिंग को जो लपेटने का डायरेक्शन है वो पॉइंटर के जिस डायरेक्शन में पॉइंटर घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, ताकि जब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होगा तो इस पर ये पॉइंटर, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क इस पर नहीं है मीटर पर, ठीक है, तो पॉइंटर यहाँ पर जाकर के झटके के साथ जाएगा और रुक जाएगा, तो ये पॉइंट टूट भी सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग किया गया, ठीक है।
और स्प्रिंग कंट्रोल को के ऊपर एक जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है जिसको आप मीटर के बाहर से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से घुमा करके इसको जीरो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से प्रैक्टिकल वाइज आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट्स का मैं वीडियो बना करके अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। और जो आप बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगना है उसमें, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो नेक्स्ट वीडियोज है इस तरीके का उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।